We will discuss about पैरामीट्रिक फॉर्म। इसमें भी दो चीज और बाकी रह जाती हैं। अब चूंकि आज पूरी क्लास नहीं है तो न्यू नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, वही है, एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अभी हम जैसे डिफरेंशिएट टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं एक सेकेंड फंक्शन। ये दो चीजें हमारे को नेक्स्ट क्लास में, जब सारे मंडे को, मंडे नहीं है क्लास, है ना, वेंसडे मिलेगी अपन को, तो उस दिन अपन ये दो चीजें और डिस्कस करेंगे। राइट, नाउ प्लीज गिव अटेंशन हेयर, आई विल शो यू। उस दिन हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी पर आते हैं। वो मैडम का वीडियो दिखा रहा था आपको, ठीक है, इसको आपको ही करना है। हाँ ओके, ये था क्वेश्चन। आई थिंक जब ये हुआ था कि आपका टेस्ट, फिर एक ने बोल दिया था किसी ने कि सर टाइम हो गया। ओहो क्या हो गया, वेट। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करिए, पैरामीट्रिक फॉर्म है डिफरेंशिएटेड। एक्स इज इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा। फाइंड डी बाय बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। सिंपल, ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन का, उनके फॉर्मूले का। सारे लोगों को करना है, हियर द पैरामीटर इज थीटा। पूनम आप हैं क्या क्लास में? पूनम बेटा हैं आप? a sec cube theta y is equal to a tan cube theta. सर आ गया आंसर। आमिर खान का आंसर आ गया। अच्छा, और भी करने दीजिए दूसरे लोगों को जल्दी से। ध्यान से किया है ना आमिर? यस सर। कल आमिर आपके मार्क्स कितने आए? कल 16 आए थे। अच्छा गुड। सर रूट 3/2 आ रहा है। यस सर, ये सर साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगी सर। वैल्यू रखने के बाद में थीटा? यस सर, रूट 3/2। अच्छा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है? सर साइन थीटा आ रहा है सर, डी वाई बाई डी एक्स को सॉल्व करने पे। अच्छा साइन, तो ये 60 डिग्री रखा तो अंडर रूट 3/2। चलो देखते हैं पर भाई, बाकी लोगों का और आया किसी का आंसर? व्हेन आई विल शो इट एक्सप्लेनेशन। किसी को डिफिकल्टी है क्या? भाई देखिए, ए सेक क्यूब कैसे, इसने क्या आप देखिए आप। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस एंड अप्लाइंग द चेन रूल, दिस गिव्स अस 3 सेकेंट स्क्वायर थीटा। फर्दर द डेरिवेटिव फॉर सेकेंट थीटा इज सेकेंट थीटा टाइम थीटा। दिस बिकम्स 3a secant cube theta tan theta.
move to your dy by d theta, which is going to be a into 3 times tan square theta into, now derivative of tan theta is secant square theta. Now, therefore you get dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. So substituting these values, you get 3a tan square theta, x square theta, upon 3a secant cube theta into tan theta. So in simplifying, we are just left with tan theta upon secant theta, and thus our answer is only sine theta. Now, okay, do not leave your answer here, because the question further says that finding out the dx and theta is pi by 3. So we say, therefore, dy by dx at theta equal to pi by 3 is sine of pi by 3, which we all know is root 3 by 2. Okay, good. Your answer is also same. Till your next question. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, yes, dekhte hain. We have yet another question. Okay, you start solving. Try it. X is equal to e theta. केवल एक दो लोगों का आंसर नहीं चाहिए भाई, सारे लोग करें, ठीक है कि नहीं? जिससे नहीं बन रहा है वो पूछे. सर आंसर तो बड़ा अजीब सा आ रहा है सर. मतलब कि e to the power minus theta bracket में 1 plus 1 upon theta square plus 1 upon theta minus theta upon e to the power theta bracket में theta plus 1 upon theta minus 1 minus 1 upon ऐसा गंदा सा. डिफरेंशियल चेक करना अभी अपन दिखाते हैं, तो चेक करिए डिफरेंशियल में तो नहीं कहीं गड़बड़ी है भाई. देखिए ये तो सीधा दिख रहा है, इसका हो जाएगा e रेस्ट टू द पावर थीटा, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा होगा. यस सर, है ना सर? देख लिया सर, गलती नहीं दिख रही. चलिए अभी अपन इसमें देखते हैं मैडम ने क्या किया भाई. बाकी लोग और किसी का ट्राई कर रहे होंगे. आयुष, एन मेरी,
कर रही हूँ सर। निवेदिता, फणीन्द्र, योर आंसर। चलिए सर कुछ इसी तरह का आ रहा है, पर थोड़ा डाउट है। चलिए अपन देखते हैं इसको। हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है देखें जरा। We have the product rule. Derivative of e to the power of theta is e to the power of theta in the second function algebraic plus the first function algebraic into derivative of the second, which would be 1 minus 1 upon theta square. We can take your theta e to the power of theta common and we are left with theta plus 1 by theta plus 1 minus 1 upon theta square. Now let's get straight to our y. फर्स्ट आप चेक करिए क्या आपका फर्स्ट डिफरेंशियल यही आ रहा है। यस सर यही है। यस सर। यस सर यही है। चलिए ओपन सेकंड देखते हैं, क्योंकि कहीं अगर प्रोडक्ट रूल लगाना तो नहीं भूल गए कहीं आप, ऐसा तो नहीं कुछ किया ना। ओके, रिपीटिंग द प्रोसेस e टू द पावर माइनस थीटा वी हैव अ डेरिवेटिव एट e टू द पावर माइनस थीटा इनटू माइनस 1 सेकंड फंक्शन एज इट इज plus the first function additive into derivative of the second. Taking e to the power minus theta common, we are left with minus theta plus 1 by theta plus 1 upon theta squared. Now, in substituting both the values in dy by dx and GTLCM, this is the final answer. Achha. देखिए क्या आपका भी आंसर यही था, इससे टैली करा दोनों डिफरेंशिएशन सही है। नाउ इन सब्स्टिट्यूटिंग यस सर यही था। यस सर यही आ रहा है ना, मैंने कहीं कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए अजीब सा सर वो यूट्यूब प्रीमियम वाला हटा दो नीचे से। ये कैसे अलग होगा सर? पहले वहां पे क्रॉस दबाओ सर, यहां पे एग्जिट नाउ के साइड सर, पहले वहां पे वो ओके दबा दीजिए। ओके, अच्छा ये वाला ये ओके, उसे स्किप ट्रायल कर दो। ओके हाँ ठीक, चलिए ठीक है, तो ये सबका यही आ रहा है ना। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा फास्ट। E raised to the power cos 2t and y is equal to e raised to the power sin 2t. माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई सर। ओके कौन कौन बोल रहा है, किसका आंसर? श्रीयश। हाँ सही है आंसर, और किसी का भाई?
आप इसको लॉक पे ले गए श्रेयस? यस सर, पहले उसे वो टू वाला करके फॉर्मूला जो रहता ना उससे किया, टू इंटू साइन टू टी फिर टू कॉस टू टी टू एक्स साइन टू डी टी वो वाला। अच्छा ओके चलिए, और लोग वही बताइए, और किसी का आया? माने आपने डायरेक्ट वाले से किया ना, e रेस टू द पावर t वाले से, e रेस टू द पावर t इज e रेस टू द पावर t एंड चेन रूल से cos t। हां फिर cos t, हां सर वही 1 अपॉन x dx y dt इज इक्वल्स टू x स्टेप्स स्किप करके। अच्छा अच्छा हां ठीक है ठीक है, जरा एक मिनट इन लोगों और देख लें। श्रेयस जब तक इसको ऐसे ट्राई करो, टाइम है जब तक जल्दी से इसका वो लॉग में चेंज करके। यस सर, बाकी जिसका और भी हो गया है वो लोग भी इनको लॉग में, दोनों साइड का लॉग ले लो। और पैरामीटर को अलग करने के लिए जैसे आपने 11th में किए होंगे ना, वो स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। लॉग y cos 2x sin 2x वाला, हाँ लॉग, अभी आपने जब लॉग लिया है यहाँ पर तो ये आ रहा होगा लॉग x, तो मतलब वही ना, dy dt ब्रैकेट में log x is equals to dy dt cos 2x 2t फिर dy dt log y is equals to dy dt sin 2t। नहीं, sin और cos अलग हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ करने ही नहीं है उनका sin एंड cos का। सेकंड मेथड से सीधा अगर log x और log y आप ले रहे हैं ना, ठीक है, तो log x आ जाएगा cos 2t, log y आ जाएगा sin 2t, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेना, log x square plus log y square, तो राइट हैंड साइड में cos square 2t plus sin square 2t हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और फिर डिफरेंशिएट करके इस तरीके से भी होगा। चलिए देखते हैं अपन, है ओके। और किसी का आया भाई आंसर? हेलो स्टूडेंट, सर आ गया। अच्छा चलिए देखते हैं अपन क्या दिखा रहे हैं। First question, once again you have x and y in terms of t and you need to find dy by dx, rather this time you need to prove dy by dx is a certain thing. Since you already see the presence of log in the function, what we can do is we can begin by taking log on both sides, which would just leave us with cos 2t here, because log e to the base e is just 1. ये ध्यान है ना, एक दिन मैंने भी आपको बताया था log e base e 1 है ना, तो वो यहाँ पर वो 1 हो जाएगा, इसलिए लिखा है। Likewise for your y, we take log on both sides and next we differentiate with respect to t, get 1 upon y dy by dt is equal to 2 cos 2t. So our dy by dt is 2y cos 2t. Substituting dy by dt and dx by dt in dy by dx, this is what we obtain. So now as you can see, these get cancelled. We already have minus y by x. And we had just noted that your cos 2t was nothing but log x and sin 2t was log y. So we replace them here and we say this is the final answer. मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखिए, ये तो आपने, बहुत से लोगों ने इसको log नहीं लेकर के सीधा differentiate किया होगा, ठीक है, वैसे भी हो सकता है,
कोई मैटर नहीं है, लॉग नहीं लेना है अगर, कोई बात नहीं, सीधा वो एक्स की पावर ई की पावर टी के उससे किया होगा। ठीक है, सुन रहे हैं ना स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? मैडम ने जैसे लिया है इसमें, इन्होंने क्या किया, लॉग लेकर के किया। ठीक है, ये लॉग एक्स इज इक्वल टू कॉस टू टी और फिर इसको डिफरेंशिएट किया। आप अगर लॉग नहीं भी लेते तो फिर आप कैसे करते हैं, सीधा इसको कर देते एक्स का डिफरेंशियल, तो ये हो जाता है डी एक्स बाई डी टी और ये ई रेस टू दी पावर कॉस टू टी और कॉस टू टी का फिर आपने किया होगा, जैसा कि श्रेयस बता रहा है इसने पहले ऐसे ही किया है। और भी लोगों ने ऐसा किया है? हेलो हेलो, यस है ना, तो और फिर उसको करेंगे तो भी आप वहीं पहुंचेंगे। ठीक है, इसने मैडम ने ऐसे किया है, इसको लॉग में ले लिया और ये किया हुआ है। इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, किस तरीके से, देखिए ये log x है ना, ये log x is equal to cos 2t आया and ये log y is equal to sin 2t। हम इनको अगर स्क्वायर कर देते हैं, log x होल स्क्वायर प्लस log y होल स्क्वायर, यानी दोनों स्क्वायर करके ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से, तो ये आ जाता है आपके पास में cos स्क्वायर 2t प्लस sin स्क्वायर 2t इन द राइट हैंड साइड, तो वो वन हो जाता। आ रही बात समझ में? करके दिखाऊं क्या? यस सर। ओके ओके, आ रहा है सर, एक मिनट दिखाता हूँ, है ना, एक मिनट वेट। देखिए ये देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ तक तो आपने ले लिया, उसी के आगे लिख रहा हूँ, हाँ ये log x इज इक्वल टू आया आपका क्लास में कितना था, log x इज इक्वल टू cos 2t, cos 2t एंड सिमिलरली फिर आपने दूसरा लिया था सेकेंड वन log y इज इक्वल टू, अभी अपन ने यहाँ कुछ भी नहीं किया है, सिंपल आपने उसका लॉग लिया है। ठीक है, फिर हम इनको अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos square 2t plus sin square 2t। ओके, ये कितना हो जाएगा, वन, दिस इज इक्वल टू वन। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा आपके पास, log x square plus log y square। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके पास में आपके ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना तो हो जाएगा ना, ये 2 है तो आपके पास में ये डिफरेंशिएट, इसके आगे करिए जरा आप वहीं पहुंच जाएंगे प्लीज। एक मेथड है, आप कम से कम उसको नोट करके रख सकते हैं, है जरूरी नहीं कि आप इसी से करें। फर्स्ट वाला इसको जरा कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, इस डिफरेंशिएट करिए इसको। कितना हो जाएगा, टू लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, वन अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है। ठीक है, यहां करेंगे तो कितना होगा, टू वाई, सॉरी टू लॉग वाई, ये हो जाएगा आपके पास में
टू, आया किसी का? मैं हूं कि नहीं क्लास में? हेलो सर, हो सर। ओके, कई बार डर लगता है क्योंकि वहां से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं बाहर ही हो गया हूँ। लॉग वाई, एंड लॉग वाई काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन वाई, ठीक है। और y का करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, ये डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसा 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 आपने पैरामीट्रिक को अलग किया, आपको ध्यान आ रहा है, इलेवेंथ में एक जगह आप करते थे ऐसे क्वेश्चन, किसी को याद है किस जगह ऐसा किया है? तो स्लोप निकाल के नहीं, जब अपन इस रिलेशन को थीटा को एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते थे। हाँ, स्लोप से ही पोलर फॉर्म है। हाँ, कौन सा पोलर फॉर्म निकाल दो। हाँ, वो इस तरीके का एक डायग्राम आपने पढ़ा होगा, देखिए वो उस चैप्टर में था, एक ट्रायंगल बनता है, देखिए एक रॉड उसमें इस तरीके से मूव करती है, ये पैराबोला, पैराबोला की उसमें है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जांपल में उसने समझाया हुआ है ना, एक्स और उनके बीच में रिलेशन दे करके, फिर उसने इस तरीके से उनको स्क्वायर करके ऐड करता, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से फिनिश, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया। ओके, चलिए नेक्स्ट, ठीक है, आ गया भाई, कर लिया ना आपने इसको कंप्लीट? यस सर। सर हाँ, सर जो एक्स वाई है उसको वापस ई कॉस टू टी भी लिखना पड़ेगा ना? किसको लिखना पड़ेगा सर? जैसे नहीं, अपन y 2y upon minus 2x है ना, तो सर 2y की जगह सर e cos 2t लिखना पड़ेगा ना? नहीं, भाई हमको dy by dx चाहिए, ठीक है, वो आ गया, फिर तो आप और फंस जाओगे इसमें, है ना आयुष? नहीं सर, लास्ट में सर, लास्ट में। हाँ, सर जब आंसर भाई dy by dx हो जाएगा minus y log x upon x log y, इसमें नहीं सर। हाँ सर, वो जो आंसर है ना सर, वो यूट्यूब पे, उस पे क्या आंसर? यूट्यूब के इस पे दिखाएं? यस सर। हाँ, यहाँ पर इसमें सर लास्ट में है ना सर, 2y cos 2t। हाँ, 2y cos 2t तो सर इसका सर y की जगह e sin 2t। हाँ, y ये इसमें यहाँ पर ये आपका y by x, और ये cos 2t की जगह उन्होंने कितना लिखा, log x। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ठीक है ठीक, क्योंकि ये प्रूव करना है, ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, वन मोर क्वेश्चन। आई वुड रेकमेंड यू पीपल टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, वंस यू सॉल्व। जरा ट्राई करिए, मैं इसको
वही आया क्या? कर रहा हूँ सर अभी। भाई स्टूडेंट्स ऐसे मत बैठना कि हटाओ दूसरे को करने दो, अपन तो बैठे हैं, ये मैं केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना, ये क्लास आपको एक दिन मिल जाती है, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकें। आंसर बहुत छोटा सा है, क्वेश्चन बड़ा है, आंसर एकदम एक उसका है, मतलब लास्ट आंसर की बात करो। आगे सर कितना? सर 2 log t minus 1 upon log t minus t into t square। और सिंपलीफिकेशन नहीं हो रहा क्या? और सिंपलीफिकेशन हो रहा है क्या? और किसी का आया? थोड़ा और देखो भाई, क्योंकि आंसर तो बहुत छोटा सा दिया है उसने। बोलो भाई, कोई और भी बोलिए। सर टी आ रहा है। कौन बोला ये? सर सूर्यांश। हाँ यार सूर्यांश, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड, आंसर इज टी। और किसी का आया भाई? सूर्यांश को ज्यादा डिफिकल्टी गई क्या उसमें? नो सर, हमारे उसमें कुछ क्वेश्चन रूल लगना है बस। हमारे बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? कम से कम 2-3 लोगों का तो आंसर होना चाहिए। आ गया सर मेरा भी। आ गया? यस सर। लड़कियों में किसी की आवाज नहीं आ रही? गर्ल्स सर टी आ रहे हैं। टी आ रहे हैं? हाँ ठीक है। ये टी इज द राइट आंसर, मगर यश पारा सर है क्या? यश बेटा, यश, यश पारा सर। यस सर। बेटा आपका कहाँ तक आया आंसर? बोला करो कुछ। हाँ सर कर रहे हैं।
पूछा करो बेटा, बोला करो, केवल बैठे नहीं रहना है, ठीक है? वेलगा राकेश, राकेश आगे से टी किसका? राकेश का, ये राकेश तो सर गूगल, हाँ राकेश की आवाज नहीं है ये। भूमिका, भूमिका नहीं, टीशा योर आंसर नहीं, चलिए देखिए आंसर। प्लीज टेल योर आंसर। सो द एक्स वाई डी टी फ्रॉम वाई आर फोर, हाँ कौन बोल रहा? हेलो, कोई कुछ बोल रहा था? हेलो नहीं, टी डी वाई बाय डी टी है, हाँ क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है निकाल रही हूँ। ओके ओके, हाँ टीशा बोल रही, अच्छा ठीक है। It becomes t square square, so that's t raised to power 4. Now derivative of 1 plus log t would just give us 1 by t into the denominator as it is minus numerator as it is into the derivative of denominator as 2t. So on simplifying you get t minus 2t minus 2t log t upon t raised to power 4, which gives us, this one gives us only minus t. So now if we take minus t common, we are left with 1 plus 2 log t upon t raised to power 4, which gives us just minus of 1 plus 2 log t upon t cubed. Similarly, your dy by d. आया था भाई, जो लोग कर रहे थे ऐसे कर रहे थे क्या आप लोग भी? बाकी जिनका आंसर नहीं आ रहा है, श्रेयस आपका आंसर नहीं आया? हेलो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Applying the quotient rule, this would be 2 by t into t as it is minus 3 plus 2 log t into derivative of your denominator, that's 1. On simplifying, this is what we obtain. And finally, on substituting the values for dy by dt and dx by dt, you would just be left with 1 upon t squared upon 1 upon t cubed, which would give us the answer t. Now look at the sixth question. You are given x and y in terms of theta, and you have to. Okay, Sai Ram, ठीक है, तो आप इसको try करिएगा, वो दूसरी class वालों का ही बहुत miss हो जाता है बेचारा। Okay, thank you. उसके exercise के भी questions करिए, हालांकि maximum हो गए हैं उसके, ठीक है, हम next class में higher order derivative पर discuss करेंगे. In the next class.